फ्रेंड्स, माई नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनदर द ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है वो मिनी मुंबई का है। मुंबई चेंबूर से हुबली जा रहे हैं हम, और यहाँ से वहाँ तक का ट्रैवल जो है वो हम ये बस से करने वाले हैं जो आप ये देख रहे हैं हमारे सामने। इस टाइप की बस होगी, अभी आएगी और उससे हम लोग जाएंगे। तो आगे का जो भी रूट है वो आपको दिखाएंगे और आगे कैसे कैसे हम जा रहे हैं वो चीज़ अगर बता पाएंगे बताएंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं पहुंच चुका हूं हुबली के आसपास। अभी लगभग 1.5 घंटे और लगेंगे मुझे वहां पहुंचने के लिए। तो ठंडी तो बहुत गजब हो रही है भाई, एक नंबर, समझे। ठंडी का कोई कहना ही नहीं है, मज़े आ रहे भाई, गांव वाली ठंडी का एहसास हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। और फिलहाल हम जो है एक ढाबा है यहाँ पर रुके हुए हैं, जिस ढाबे के पास, ठीक है। तो चल रहे हैं, देखते हैं अभी आगे वहाँ का जर्नी, वहाँ का सफ़र कैसा होता है, ठीक है। सुबह के बज गए हैं 9 और हम पहुँच गए अक्षय पार्क हुबली में। अभी जस्ट हम बस से उतरे हैं और जा रहे हैं हम होटल की साइड। तो फाइनली होटल पहुँच के ही आपसे हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं होटल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्या मिलता है, होटल मिलता है, गेस्ट हाउस मिलता है, कोई आइडिया नहीं है, बट जो भी मिलेगा देखते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं रूम के पास, सारे लाइन से दिखे रूम। ये अपना रूम है, अंदर सबको दिखाते हैं, ये देखो ये अपना रूम है, ठीक है। तो फाइनली रूम में पहुंच गए, फ्रेश होने के बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है। अभी शाम के 7 बज गए हैं। मैं जो है वो सुबह 9:30 बजे पहुंचा था, थोड़ा टाइम सोया और उसके बाद फिर मैं कहीं निकल नहीं पाया, होटल में ही रह गया। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी मैं होटल की छत पे ही खड़ा हूं। और यहां से जो नज़ारा है ना हुबली का, एक नंबर। ये गोकुल रोड है और यहां पे जो है ना बहुत अच्छे अच्छे मॉल हैं। अभी मैं निकलूँगा बाहर घूमने के लिए और आपको दिखाऊँगा बाहर से ही, तो बहुत बढ़िया नज़ारा है, एक नंबर। आप मेरे पीछे देखो, ये जो मिनी मुंबई कहा गया है ना, तो बहुत ही बढ़िया है मिनी मुंबई के नाम पे ये। और यहाँ पे जो साफ़ सफाई है और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी रखी गई हैं और एक नंबर प्लेस है भाई ये। आओगे कभी घूमने तो आपको मज़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और जिस होटल में रुके हैं वहाँ पर जो है 2 लोग हैं साथ में, तो पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया सोने खाने पीने ये वो करने में। अभी शाम का टाइम है, 7 बज रहा है, तो अभी हम बाहर निकलने वाले हैं, थोड़ा टाइम में बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो है वो दिखाएंगे आपको। यहाँ से मैंने कहा छत के ऊपर से आपको थोड़ा सा एक नज़ारा देखने मिलेगा कि कैसा है। तो रोशनी ज़्यादा हो गई इसलिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये है कि भाई रोशनी से ही पता चल रहा है कि मुंबई जो मिनी मुंबई है ना, उसका जो नज़ारा है वो यहाँ देखने मिल जाएगा आपको, तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए फिर आगे आपको मिलते हैं, ठीक है, बाहर रोड पे। ये जो हमारे पीछे अभी आप देख रहे हो, ये अर्बन ओशियन मॉल है। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग, एक नंबर। मैं जाके आया, अंदर की वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं है इसलिए मैं बना नहीं पाया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप देख रहे हैं गोकुल गार्डन है, समझे। और एरिया बहुत अच्छा है, मैंने बहुत घूमा, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दोस्तों के साथ में था। तो फाइनली जितना भी बनाया वो सारा मैंने ऐड कर दिया है। पिछले दिन अर्बन ओशियन मॉल दिन का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरा एरिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हो सकता है आज शाम को निकलने, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार, लाइक करते हो तो दिल को सुकून मिलता है, तो लाइक ज़रूर करना। अब थक गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई पूरे दिन चल चल के। चलो ठीक है, कोई नहीं, इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपसे मिलेंगे फिर, ठीक है। तो शब्बा खैर, बाय बाय। और हाँ, साथ में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ।